आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। अब ग्राफ शोज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय प्लांट सेल्स एट लेवल्स एट एटमोसफेरिक ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एट एटमोसफेरिक ऑक्सीजन बिलो वन परसेंट लेवल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज रिलेटिवली हाई दिस इज ड्यू टू यहाँ पर बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना जितना रिलीज हो रहा था उसकी कॉन्सेंट्रेशन को देखा गया जैसे ही ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन थी वो कम हुई वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लग गई यानी

इसको प्लांट यूज करता है सेलुलर 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 रेस्पिरेशन 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 के के लिए के लिए में क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वाटर बनता है एंड एटीपी बनता है बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन तो कार्बोहाइड्रेट को यूज करके होता है अब सेलुलर रेस्पिरेशन यूजुअली कहां पर होता है माइटोकॉन्ड्रा के अंदर होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रा इसलिए बोला जाता है इसको हाउस पावर हाउस ऑफ द सेल इस क्योंकि यह बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस करता है बट अगर हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत लो हो जाता है ऑक्सीजन का अमाउंट लो जा हो तो तो होने की वजह से क्या होता है कि ये ग्लूकोज जो होता है इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुवेट में पायरुवेट के बाद ये आगे को एंजाइम ए में कन्वर्ट होकर के ये साइकिल में नहीं जाता इनस्टेड ये साइटोप्लाजम में ही रहता है यहाँ तक ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है ये तो सारा साइटोप्लाजम में होता है तो ग्लाइकोलिसिस के बाद ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही रहता है एंड इनसफिशियंट ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होता है कि ये कार्बन

डाइऑक्साइड रिलीज करना होता है प्लस प्रोड्यूस करना होता है इस प्रोसेस में एल्कोहल फर्मेंटेशन में बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है बट इधर एटीपी प्रोड्यूस होता है जिसको यूज करके प्लांट दूसरे कंप्लीट कर सकता है एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन तभी देखने को मिलता है जब ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लो हो जाती है एनवायरमेंट में एंड यहाँ पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिलीज है इस ग्राफ में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है क्योंकि प्रोसेस बहुत छोटा होता है बहुत जल्दी हो जाता है अगर हम वाले सेल सेलुलर रेस्पिरेशन को देखें जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं तो रेस्पिरेशन में बहुत टाइम है, करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज अकरिंग क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर होता आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर